बागपत जनपद की बड़ौत कोतवाली पुलिस ने 25,000 के 4 इनामियों सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए रेसलर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दरअसल रेसलर आकाश की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 10 जिंदा कारतूस व 5 देसी तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। जनपद बागपत के ग्राम लोहारी थाना बड़ौत में 30 सितंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें आकाश नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और भरत नाम के एक लड़के की को जान से मारने के लिए उसे गोली मारी गई थी, वो उसमें घायल हो गया था। इस प्रकरण में नामजद मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 4 लोग वांछित थे, जिनका नाम अतुल, अक्षय, विशाल और सुमित थे। इन चारों पर 25,000 रुपये का इनाम था। इनकी धरपकड़ के लिए स्वाट और थाने की पुलिस की टीम्स लगी हुई थी। इन चारों के साथ एक और लड़का राहुल, इन पांचों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर यह बात सामने आई है कि इन पांचों लड़कों द्वारा सहमति से पहले आकाश और भरत को मौके पर बुलाया गया और आपसी विवाद को सुलझाने की बात हुई, लेकिन मौके पर गाली गलौज होने के कारण इन लोगों ने आकाश और भरत को पर गोली चला दी, जिसमें आकाश की मृत्यु हो गई, भरत घायल हो गया। पूरे प्रकरण में अतुल ने बताया कि इसकी बहन का संबंध एक भरत नाम के लड़के से, जो घायल है, इसकी वजह से इसको लोक लाज का सामना करना पड़ रहा था और इसी बात पर ये पहले से ही इनसे रंजिश रखता था और जब समझौते की बात हुई तो उसी समय इन्होंने उनको गोली मार दी थी। क्या बरामद हुआ? इन पांचों के पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ और इन्हीं तमंचों से ही वहाँ मौके पर हत्या की गई थी।